वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करूंगी। तो गाइस, ये वाला मेकअप लुक स्पेशली वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक है। तो गाइस, आप इस मेकअप लुक को क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा इजी है एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। एंड गाइस, ये वाला मेकअप लुक को क्रिएट करने के टाइम पे मैं कोई भी मेकअप ब्रशेस यूज नहीं किया है, मैं मेरी हैंड की फिंगर की मदद से इस मेकअप लुक को क्रिएट किया हूँ। तो गाइस, ये वाला मेकअप लुक आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। एंड गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद जो बेल आइकन को प्लीज दबा देना, फिर फ्यूचर में मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो गाइस, चलिए इस मेकअप लुक को क्रिएट करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं मॉइस्चराइजर के लिए ड्रामडॉग का कैलामाइन लोशन अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, मेरी चैनल पे ऑलरेडी इस मॉइस्चराइजर का रिव्यू है तो आप चाहो तो आप देख सकते हो। गाइस, बहुत ही अच्छा लाइक मैट फिनिश लुक देती है आपके फेस में, तो आप ज़रूर ट्राई करना। गाइस, आप एक बार रिव्यू भी देख लेना। तो गाइस, अभी मैं आपको सनस्क्रीन दिखा रही हूँ। तो गाइस, आप मॉर्निंग में बाहर जा रही हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। मैं अभी नाइट टाइम में शूट कर रही थी तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाया था, तो आप बाहर जा रही हो तो ज़रूर लगाना गाइस। देन मैं प्राइमर के लिए NYB का प्राइमर अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। गाइस, आप अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। तो गाइस, अभी मैं NYB का कंसीलर फाउंडेशन स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, अभी मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो मैं फिंगर की मदद से धीरे धीरे फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। गाइस, अब ज़्यादा घिस के मत करना, धीरे धीरे टाइम लेके फाउंडेशन को ब्लेंड करना। तो गाइस, अब देख पा रही हो मैं फाउंडेशन को लेके मैं हेयर लाइन तक जा रही हूँ, नहीं तो पूरे मेकअप एकदम अच्छा नहीं। अभी मैं स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट में से एक कलर लेके मैं एज ए आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से। गाइस, अब थोड़ा थोड़ा लेके अप्लाई करना। गाइस, अभी मैं सेम कलर लेके पिंकी फिंगर की मदद से मैं लोअर लैश पे अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस, अभी मैं फेसेस कनाडा का काजल अप्लाई कर रही हूँ। लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन दोनों जगह पे ही मैं अप्लाई करूंगी। तो गाइस, अभी मैं आईब्रो को फिल करूंगी NYB का आईब्रो पेंसिल से। मेरा जो शेड है वो है ब्राउन। सो गाइस, अभी मैं आईब्रो जो पेंसिल था उसको लेके मैं मेरी नोज को थोड़ा कंटूर करूंगी। गाइस, अभी मैं मस्करा के लिए ब्लू हेवन का मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। लोअर वाटर लैश एंड अपर वाटर लैश दोनों जगह पे ही मैं अप्लाई करूंगी। गाइस, देन मैं सेम ब्लश पैलेट में से कलर लेके मैं ऐसे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से। गाइस, सेम पैलेट में से जो हाइलाइटर है उसको लेके मैं मेरी फेस को हाईलाइट करूंगी। गाइस, मुझे हाईलाइट करना बहुत अच्छा लगता है। गाइस, गाइस, अभी मैं लिपस्टिक के लिए दो शेड अप्लाई करूंगी। NYB का लिक्विड लिपस्टिक एंड स्टेकोकी का लिक्विड लिपस्टिक। आप इसमें से दो कोई एक भी और नहीं तो आपको जो पसंद है, जो कलर पसंद है आप वो भी यूज़ कर सकती हो। गाइस, तो गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो गाइस, ये वाला मेकअप लुक आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आप कमेंट करेंगे तो मैं छोटे छोटे हर्ट दे पाऊंगी आपके कमेंट पर। सो गाइस, बाय, सी यू सून।